आज फाइनली 3, 2, 1 हमारे 2 साल पुराने दोस्तों तोतों के एग्स जो है ना इधर पड़े हुए हैं और तो कितनी प्यारी लुक निकल आई है। और डायमंड भी दोस्तों मेरे पेट्स दोस्तों हमारे रैबिट हाउस को देखने आ गए हैं। हाँ भाई छुटकू तुम भी आ गए हो, क्या बात है, अच्छा लगा रैबिट हाउस। दोस्तों इसको ना इसके अंदर ही डाल देते हैं। हाँ भाई जाना इसके अंदर रैबिट्स के काम, रैबिट हो ना तुम भी जाओ अंदर, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं अंदर जाना अब आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। अभी दोस्तों हम अपने रैबिट हाउस की छत का ना दोस्तों लकड़ी का सामान लेने जा रहे हैं और लकड़ी का सामान हमारे घर पर ही मौजूद है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों इतना बड़ा रैबिट हाउस हम बना रहे हैं और ऊपर दोस्तों बिल्ली आती जाती है तो इस तरह हमारे रैबिट्स को भी दोस्तों पकड़ सकती है। तो इसका हम प्रॉपर एक केज बनाएंगे दोस्तों, ऐसे जाली लगेगी और ऊपर प्रॉपर जो है ना वो छत डलेगी, तो इसलिए दोस्तों छत के लिए लकड़ी जल्दी से उतारते हैं। बाकी दोस्तों मैंने अपने सब पेट्स को खोला वैसे वाले कबूतरों के और दोस्तों छोटू गैंग के दोस्तों, क्योंकि मैंने ऊपर जाना छत पर तो दोस्तों पीछे से छोटू गैंग को बिल्ली पड़ सकती है, तो मैं आकर छोटू को भी दोस्तों खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मिली हमारी अच्छी बली अंडे दे रही थी, अब इसको पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, मिली हमारी अंडे की दे रही दोस्तों सारे पेट्स को मैंने खोला हुआ है। और ये देखिए अभी मैंने दोस्तों इधर सीढ़ी लगा ली है, तो अभी जल्दी से दोस्तों चलते हैं ऊपर। दोस्तों मैं ऊपर आ चुका हूँ, इधर से अच्छी अच्छी दोस्तों मजबूत सी लकड़ियाँ ढूंढते हैं जिससे कि हमारी रैबिट है उसकी दोस्तों छत मजबूत तरीके से डल जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे घर की सारी फजूल चीजें दोस्तों इधर भरी हुई हैं और अभी जल्दी से मैं साफ साफ सी लकड़ियाँ निकाल लेता हूँ ताकि दोस्तों हमारे रैबिट है उसकी छत जल्दी से डल सके। दोस्तों अब मैं इधर आ चुका हूँ, अब दोस्तों हमने ऊपर वाली छत पर जाना है क्योंकि मैंने दोस्तों ऊपर वाली छत पर काफी ज्यादा दोस्तों लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, काफी ज्यादा सामान मिल गया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्तों। ये देखें इधर मैंने काफी ज़रा चीज़ें ढूंढ के रखी हैं। ये देखें ये भी पाइप भी हमारे काम आएगा, इसको हम धो लेते हैं अंदर से, बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें मिल गई हैं दोस्तों। दोस्तों ये देखें यही वो बिल्ली है जो कि हमारे पेट्स पे दोस्तों हमला करती है, ये देखें देख कैसे रही है। तो शुक्र है अभी दोस्तों हमने छोटू गैंग को नहीं खोला वरना इसका जो है ना दाग लग जाना था। जल्दी से दोस्तों इन सबको सामान को जो है ना अपने मिनी जू में दोस्तों लेकर चलते हैं और फिर वहाँ जाकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ पर लगानी है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपको कितना ज़्यादा दोस्तों हमने जो है इधर गन डाल दिया हुआ है, तो कल दोस्तों अब इनको जो है वो कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी देख सकते हैं दोस्तों रात हो चुकी है और अपने परिंदों को डाइट वगैरह देते हैं। और अब दोस्तों आपसे कल मिलते हैं। ओह दोस्तों आज मेरा मिली ने बहुत बड़ा दोस्तों सरप्राइज दे दिया, ये देखे दोस्तों मैं कह रहा था कि इतने दिनों से दोस्तों अंडे नहीं दे रही, तो ये देखे दोस्तों इसने ना 4 अंडे दिए हुए हैं। दोस्तों हमने इधर देखा ही नहीं कि अंडे दे रही है मिली के, नहीं मैं सोच रहा था कहीं और दे रही है, लेकिन ये देखे दोस्तों मिली के छोटे छोटे अंडे देखे दोस्तों 4 अंडे हैं। तो इसको दोस्तों हम संभाल के रखते हैं ताकि हमारी जब फिर से कबूतरी बैठे तो हम उसके नीचे रख दें। वह हो चुकी है और अब हम अपने सारे केजेस के ऊपर से ना दोस्तों ये वाला पर्दा उठाने लगे हैं। ये देखे जरा ये हमने रात को डाला था इनके ऊपर, तो वैसे भी हम इनको जो है वो अंदर ले जाते हैं दोस्तों। तो ये देखे चिली मिली के ऊपर से भी ये उठा देते हैं जल्दी से, ये देखे दोस्तों माशाल्लाह से। और ये पिजन्स के ऊपर से भी दोस्तों ये वाला पर्दा जो है वो हम उठा देते हैं जल्दी जल्दी से। तो ये लें दोस्तों सुबह हो चुकी है, अब जल्दी से इन सबको जो है वो साइड पे करते हैं। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है और दोस्तों हमने अपने सारे पेट्स को खोला हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों हमारे सारे पेट्स जो है वो खुले हुए हैं। दोस्तों इधर देखिए कितना ज्यादा दोस्तों गंद पड़ा हुआ है, तो इसको भी जल्दी से हमने दोस्तों साफ करना है। ये जो दोस्तों आप लकड़ियाँ देख रहे हो ना इसमें दोस्तों हमारा बहुत ज्यादा काम है दोस्तों, इसलिए ना हमने अपने रैबिट हाउस की दोस्तों छत डालनी है प्यारी सी। तो दोस्तों आपको पता है कि इधर बिल्ली आती रहती है, तो इसलिए हमने जो है वो एहतियातन जो है वो उसके ऊपर छत डालनी है। उसके बाद दोस्तों इधर हम जो है ना अपना केज बनाएंगे असील मुर्गियों का दोस्तों, इधर जो आप सुल्तान ग्राउंड देख रहे हैं ना, उसके बाद दोस्तों इधर फाउंटेन बनेगा, इधर बहुत कुछ बनना दोस्तों। सब कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखे दोस्तों इधर हम अपना रैबिट हाउस बना रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों रैबिट हाउस का सामान लेने, उधर जाकर आपसे मिलते हैं। जाने से पहले दोस्तों मैंने अपने सब पेट्स को डाइट वगैरह दे दी है, तो अब चलते हैं दोस्तों मट्टी लेने। दोस्तों अभी हम फाइनली रैबिट हाउस के लिए दोस्तों मट्टी का पता करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हमने जो है ना पिजन्स को खोल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि धूप आ गई है और सबको दोस्तों मैंने डाइट वगैरह दे दी है। और इधर देखे दोस्तों हम सारा का सारा जो है ना वो सामान वगैरह ले आए हैं। दोस्तों इसको हम जो है ना आप छोटा करने वाले हैं थोड़ा सा, दोस्तों हमने एक ही पेड़ रैबिट्स का रखना है, लेकिन वो प्यारा पेड़ होगा, अच्छा पेड़ होगा, एक्सपेंसिव पेड़ होगा, तो एक ही रखेंगे। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इस जगह को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि ये जहाँ उन्होंने ब्रीड करनी है ये एरिया थोड़ा कम कर देते हैं और प्लेइंग एरिया दोस्तों ज्यादा कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। दोस्तों ये देखिए हमने जो है ना इतना बनाना है, ये भी दोस्तों काफी बड़ा है, एक पेड़ इजीली इसमें जो है ब्रीड कर सकता है। और ये देखिए दोस्तों इसका प्लेइंग एरिया कितना बड़ा हो गया, यानी कि हम एक पेड़ नहीं इधर मेरे ख्याल से भी ना दोस्तों 2-3 पेड़ इजीली रख सकते हैं। और दोस्तों मैंने ना एक अलग डिजाइन अपने
दिमाग में से सोचा है कि एक हम पहले एक मटकी नीचे लगाएंगे और फिर एक ही दोस्त ऊपर लगाएंगे और फिर देखेगा कितना ज्यादा प्यारा बनता है। एक पैर नीचे ब्रीड करेगा और एक पैर दोस्तों ऊपर ब्रीड करेगा। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पिजन्स देखें दोस्तों, ये देखें जरा, ये देखें दोस्तों इनके पार आ चुके हैं और अब दोस्तों इन्होंने जो उड़ना भी शुरू कर दिया हुआ है। ये देखें जरा इनका बेबी भी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह से बेबी भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है हमारा और अंडे में से भी दोस्तों बच्चा निकलने ही वाला है दोस्तों जल्दी। अब दोस्तों इसमें जल्दी जल्दी से मिट्टी डाल लेते हैं और ये है जी दोस्तों मिट्टी के दो बोरे और ये काफी ज्यादा भारी है। तो दोस्तों ये वाली मिट्टी है और ये काफी ज्यादा भारी है दोस्तों, मैं आपको डालकर ही अब दिखाता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ तो कैमरा कोई पकड़ नहीं सकता जी। दोस्तों एक हमने फिलहाल डाला और एक से ये ना काफी ज्यादा बढ़ गया दोस्तों, ये देखे माशाल्लाह से। ये बीच में से दोस्तों ये शॉपर वगैरह भी निकल रहे हैं, ये हम पीछे कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो रेत है। दोस्तों आपको मैंने जैसा कि बताया था कि मट्टी हमारे इधर से बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलनी है दोस्तों, इतनी जल्दी से मिलेगी नहीं, तो हमने फिलहाल ना रेत से गुजारा किया है। हमने सोचा दोस्तों नीचे रेत डाल देते हैं और ऊपर जो है वो मट्टी के साथ हम जो है ना ऊपर प्लस्तर कर देंगे तो एक मतलब न्यू लुक निकल आएगी। तो इसलिए दोस्तों हमने जो है ना मट्टी अभी भाई के जिम्मे लगाया हुआ है, इंशाल्लाह कल आ जाएगी। और ये बाकी हमने इधर डालनी है रेत और भी, और इसके दोस्तों माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आएगी, इससे हम मेहनत भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे हम आर्टिफिशियल ग्रास भी लगाएं। तो हमने अपने सारे पैट्स को खोल दिया है और दोस्तों पिजन्स को हमने दोस्तों बंद कर दिया है और अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अपने रैबिट हाउस की फाइनल लुक। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि इसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया, अब ऊपर जितनी भी आएगी ना वो लाल मिट्टी जिसको कहते हैं ना वो आएगी और इधर हम बड़ी लगाएंगे। ये मटकी ये हमने फिलहाल चेक करने के लिए दोस्तों लगाई है, ये ऑस्ट्रेलियन पैरट्स की है, तो इधर हम बड़ी मटकी लगाएंगे जिसमें कि दोस्तों 4 से 5 खरगोश आ सके। सुल्तान दाने देने लग पड़ा है। ये देखे दोस्तों अब हमने ना इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया है और ये देखे हमारे 2 साल पुराने दोस्तों तोतों के एग्स जो है ना वो इधर पड़े हुए हैं और 2 बीच में से दोस्तों पिजन्स के भी हैं। और ये देखे दोस्तों कितनी प्यारी लुक निकल आई है और डायमंड भी दोस्तों मेरे पीछे आ चुका है, बोलना है बहुत ही अच्छा बना है रैबिट हाउस। अब दोस्तों कल हम मट्टी लाएंगे और इसको सारा जो है ना डिज़ाइन करेंगे अच्छे तरीके के साथ और बड़ी लोड की भी हम लाएंगे और फिर देखिएगा दोस्तों कितना प्यारा लगता है हमारा रैबिट हाउस। दोस्तों तैयार होते साथ ही हम इसको पेंट करेंगे, इसका ये वाला प्ले ग्राउंड बनाएंगे और फिर दोस्तों हम अपने क्यूट क्यूट से रैबिट लाएंगे। तो दोस्तों अब बारी है हमारे इस वाले पैट्स की, तो ये देखे कालू मेरे पास आ चुका है। हाँ भाई कालू डाइट खाई तुमने माशाल्लाह से दोस्तों, ये देखे मिली मुझे गुस्सा का आइडिया क्यों पकड़ा है कालू को, ओए ओए शरारती बन गया तुम। दोस्तों अब हम ना इस पे अभी ना काम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह, जैसे ही हमारा रैबिट हाउस कंप्लीट होगा ना, बल्कि उससे भी पहले दोस्तों हमने इधर अपना केज बनवाना है क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं, एक इधर केज बनवाना है एक इधर और 2 दोस्तों साथ में, फिर हम जो है ना अपने फाउंटेन की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये भी बेबी भी ना आजकल गुस्सा करने लग पड़ा है, कह रहा है मुझे ना पकड़ा करो बार बार, तो मैं रोज दोस्तों से 3 से 4 बार तो इसको चेक करता ही करता हूँ। ये देखे दोस्तों इसका कलर देखे कितना प्यारा कलर निकल रहा है यार, इसका ना माँ पे गया ना बाप पे, इसका कलर ना बहुत ही प्यारा निकल रहा है दोस्तों माशाल्लाह। और छुटकू दोस्तों आपने इसका नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और दोस्तों हमारा ना एग में से भी बच्चा निकलने ही वाला है मुर्गी का इंशाल्लाह। तो हमारा मिनी जू दोस्तों इस वक्त बहुत ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है, ये देखें आप सामने देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है हमारे रैबिट हाउस के लिए, लेकिन जब बनेगा ना दोस्तों ये सब कुछ साफ हो जाएगा और बहुत ही प्यारा बनेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कितनी ज़्यादा गुड नहीं होता है। और ये देखे सुल्तान के कामयार, सुल्तान का गाढ़ा, सुल्तान आजकल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्ती हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी से ये कितना प्यारा लग रहा है, तो जब ये बनेगा दोस्तों कितना ही प्यारा लगेगा। दोस्तों आपने ना सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि हमारे जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हों और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे, ओ हाथ तो ना खाओ यार मेरा, बाजरा तो इधर है। कालू नहीं खाना, मिली तुम ही खा लो यार, डर क्यों रही हो यार। सुल्तान आ जाओ, पता नहीं यार आज ये खा ही नहीं रहे। तो दोस्तों इनका पेट तो हो चुका है फुल, अब दोस्तों इनको बंद करने का टाइम आ चुका है। आप भी देख सकते हैं कि दोस्तों शाम होने वाली है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल ब्रीद बर्ड्स फैमिली को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे कल, अल्लाह हाफिज़।